संयुक्त किसान मोर्चे वालों भारत बंद के सदे का असर पूरे भारत के नाल नाल गुरदासपुर जिले के भी कई कस्बों और शहरों में देखने को मिला। किसानी संघर्ष पूर्ण तौर पर तिखा रूप जो है वह धारण कर चुका है, पर सेंटर सरकार के कन्नां ते हाले तक कोई जूं रेंगदी नहीं नज़र आई। साढ़े नाल मौजूद ने अजीत सिंह कामरेड ठक्कर संधू तो जो किसानी आगू भी ने, आओ उन्हां नाल गल करते हैं कि उन्हां दा की सुझाव है इस बारे। इस किसानी संघर्ष बारे जो जथेबंदियां लड़ रही ने उन्हां दा एक मोर्चा बनिया संयुक्त किसान मोर्चा जो कि दिल्ली डटे ने, असी उन्हां दा एक अंग वां। साडी लड़ाई आ केंद्र दी सरकार दे तीन काले कानून रद्द करवाउण दी। उहदे लई 11-12 मीटिंगां हो चुकियां ने। मोदी बेईमान आ, मकाउणा नहीं चाहुंदा। उहदी नीति आ कि इह जिहड़े किसान ने इह छैत मोर्चा विच छड्ड के चले जाण, इह उहदा भरम वा। उहदा भरम कढ़न लई असी जिन्ना चिर काले कानून आ जिहड़े इह रद्द नहीं हुंदे उन्ना चिर संयुक्त मोर्चे की जदोजहद चालू रहूगी, उस दिन तक रहूगी जद तक काले कानून वापस नहीं लेता। की रूप दिता जाएगा किसानी संघर्ष में, जिमें कि हाले तक सेंटर सरकार के कन्नां ते कोई जूं नहीं रहेगी? देखो वो जो चाहता पहला तो उन्हें लोगों के अंदर एक सप्प छड के किसानों नूं पाड़न का यतन किया। वो गड्डी लियो लई नहीं, गड्डी फिर ली तो चढ़ गई। असी भावें लम्मी लड़ाई लड़िए, सानू साल दी दो साल दी इहदी आउंदी इलैक्शन तक दी लड़ाई तक क्यों ना रहना पए, इहनू गद्दियों ला के काले कानून वापस करवा के मुड़ा। काले कानून सेंटर सरकार ने बनाए ने, उन्होंने रद्द करन दा इह नां नहीं लैण दी, ते किसानां दे हक दे विच की गल कहना चाहोगे तुसीं? देखो जी, किसान एक साढ़े इंडिया की रीढ़ की हड्डी ने, खास करके साढ़े पंजाब के किसान, क्योंकि साढ़े पंजाब विच खेती तो अलावा होर कोई धंधा नहीं। तो ये खेती तां ही प्रफुल्लित होएगी अगर किसान थोड़ा जिहा सौखा होएगा। तो जिस तरह दीआं मारां किसानां नूं पै रहीआं ने, इस हिसाब दे नाल तां किसान दिनों दिन बहुत डाउन जा रहा और बहुत थले जाएगा। हर किसान थले चला जाएगा तो जिदे नाल साढ़े सारे ही व्यापार डाउन हो जाएंगे। अज आप देखते हैं पहला कि कल्ले किसानों का ही समझते सी ये धरना, हुण सारे ही मेरे वीरां नूं पता लग गया। जिस तरह कि अज साडा अड्डा चक्षी सारे ही बंद आ, जिदे विच साडे किसान भी ने, साडे दुकानदार भी ने, साडे व्यापार भी ने। तो अगर जे साडी किसानी नूं बचाउणा ते साडे इसे तरह ही सारे परिवार साडे वीर साथ देंगे कि असी किसानी बचा ली तो साडी इह जिहड़ी पंजाब है बच जाएगा, साडा इंडिया बच जाएगा। तो अगर असी ये काले कानून ना वापस कराए तो मोदी सरकार दियां जो ये चल रही चाल ये साडा पंजाब तक ही सारा ही देश जिहड़ा ना वो बिल्कुल गर्क हो जाएगा। किसानी संघर्ष जिहड़ा बहुत तेज़ जिहड़ा एक तिखा रूप लै चुका है, पर हले तक जिहड़ी सेंटर सरकार उहदे कन्नां ते जूं नहीं सरकी, तो अगला कदम की होएगा किसान आगूआं दा? देखो जी, साडा जो किसान का संघर्ष है ना, ये साडा जो संयुक्त मोर्चा बनया होया उहदे आधार ते चलदा। जिस तरह के उन्होंने सानू आते जाएंगे ऑर्डर उस हिसाब में असं चलते रहेंगे। दूसरी गल है भी ये जो सरकार ने ये किसी पब्लिक बारे नहीं सोचदिया, गरीब बारे नहीं सोचदिया, कहिंदे कुछ ने और करते कुछ ने। अगर असी इदा का इन्हों मगर लग लग के इन्हों कई मेरे वीर ने इन्हों वोटा पा के ये झूठे ला रहा तो असी सरकार बना के दे दिता, इनू इनू सारा अपना देश सौंप दिता, पर इन्हें हम साढ़े देश में बेचना शुरू कर दिता। इस करके जब तक साढ़े किसान जिंदा रहेंगे इस संघर्ष में जोर पूरा लाएंगे और इस कोशिश करेंगे कि असी जित के तो फिर ही वापस अपने स्टेज पर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रघवीर सिंह है, मैं जमहूरी किसान सभा का सूबे का जॉइंट सैकटरी हाँ। ये किसानी अंदोलन ये सिर्फ एक धिर का नहीं रह गया, ये किसान अंदोलन समुचे देशवासियों का बन गया और ये नाल सारे देश के जिहड़े किसान ने वो एक बुट होए आ और सारी दुनिया तो इनू हमायत मिल रही है। दूजे देशों दियां पार्लीमेंट में बहस हो रही है, दूजे देशों दियां सरकारां इन्हां नूं लिख रही ने, यूएन में लिखा जा रहा भी तुसीं गलत कर रहे हो, तो ये चर्चा बहुत ज़्यादा।
और असी लाजमी तौर के उपर ये तीन काले कानून वापस कराने ये खेती दियाँ जड़ा पट देंगे और गरीब नूं भुखा मार देंगे। जिहड़ा जरूरी सेवाओं वाला एक्ट आ ये लाजमी तौर पर ज़्यादा खपतकारा जिन्हां ने चीज़ां मुल लै खाणियां उन्होंने ज़्यादा विरोध है और किसान तो फसल खरीदनी नहीं उन्होंने एफ सी आई जो तुहाड़े सामने आ उन्हें जिहड़ी शर्त ला ली है इन्हां घर खरीदी नहीं जा सकती तो ये सारी अड़चन पैदा कर रहे हैं और असी उहदा जवाब भी दे रहे कि असी किसी कीमत पर फर्दा नहीं लेनी है तुहानू कणक भी खरीदनी पएगी। नंबर दो लड़ाई जिन्नी मर्जी लंबी कर लो ये तुहानू नुकसान ज़्यादा सानू घट है। अज सारे देश वख वख थावां ते महापंचायतां हो रही ने ये कल्ला पंजाब च नहीं कल्ले हरियाणा च नहीं यूपी राजस्थान थले मध्य प्रदेश और कर्नाटक केरला वगैरह सब तो हो रही है और सारे लोग लड़ रहे हैं इस करके बीजेपी का सूफड़ा साफ हो जाएगा। यूपी के अंदर बहुत वड्डा नुकसान उन्होंने होने जा रहा इस करके वो अड़िया जो मर्जी करता जाए और असी जवाब दें इस वे इको एक पार्टी है जी इन बिलों के हक में और बीजेपी है बाकी सारे लोग एक मुठ ने और असी सारे दूजे सूबे जाके यही गल कही है साढ़े आगुआ ने भाई वोटा जिन्हों होर मर्जी पायो बीजेपी ना पायो किसान मजदूर की वैरी पाए और इस रूप के जरा वाधे काफले है ये लाजम तौर पर सानू जित तक लैके जाएंगे असी जितेंगे। लड़ाई लंबी हो सकती है असी ठंड भी कटिया ने साडे बच्चों ने साडे बजुर्गों ने साडे मातावान ने भैणा ने वो कटिया और उस तो बाद जी होड़ी है ये भी साड़ी तैयारी हो रही है तुसी देखो उत्थे जाके बोर हो रहे हैं लोग अपने टेंट ला रहे और टेंटा के लोग संभव हर सहूलत पैदा करने यत्न कर रहे हैं वो मतलब ए सी वगैरह भी लैके जा रहे हैं तो लोग हर मुश्किल नाल जीतने लिए तैयार ने उन्होंने मन में कोई हार नहीं और ये मैं अगे इतने बोलते भी क्या भी आ जी कणक ना खरीदने की गल आ ये अप्रैल के पहले हफ्ते तो असी सारे देश में एफ सी ए दफ्तर का घराओ करा तरीक वो तय कर लेंगे। नंबर दो दिल्ली अंदर भी कोई वड्डा एक्शन होएगा की हुंदा ये उन्होंने समझ लिया क्योंकि समय समय अनुसार उत्ते एक्शन तैयार होंगे तो ये संयुक्त मोर्चा इस वे लोगों की सिरमौर जथेबंदी है जे तो पूरा लोगों को भरोसा है और ये देख किसानी की जित जी ये देश के समुचे लोगों की जित होगी यदि हार समुचे लोगों की हार होगी। सन जमहूरी किसान सभा पंजाब के किसान आगू जिन्हों का कहना है कि जिनी देर सेंटर सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेंदी उन्नी देर तक यह संघर्ष इदा ही जारी रहेगा। कैमरामैन बलविंदर सिंह पन्ना के नाल नवदीप चीमा स्पैशल रिपोर्ट। आज 300 दे करीब पंजाब दे अंदर साढ़े नौजवान शहीद हो गए ने लड़ाई लड़ते 300 दे करीब एक मनुख का पेशा होंगे वो पेशे के कमीशन ने विद्वान ने विद्वान को जो समा मिलता वह कई बार रैन वड्डी भी मार देता जी अग रैन मारी आडिया जमीर जगाने वास्ते है। साध संघ जी कुछ सुपने जोड़े होंगे वो होंगे अमीर बन के शोभा खट्टन के वडो खट्टन के बहुत घट सुपने होंगे जो जमीर में जगा टोए फुटते पत्थरकारी करते पानी दिया पछाड़ा मारिया तो दिल्ली नहीं जा देना पर मैं उन्होंने सूरमिया का ऋणी उन्होंने बहादरी का भी सिर चढ़ा।